2022 के चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड की आधी आबादी को साधने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बड़ी घोषणा आज कर सकते हैं। जी हां, काशीपुर के एक दिवसीय दौरे पर दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर केजरीवाल महिलाओं के लिए चौथी बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इसके लिए महिलाओं को उनके दौरे से उम्मीदें हैं। सोमवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने कहा था कि इससे पहले केजरीवाल उत्तराखंड के 4 बार दौरा कर मुफ्त बिजली, रोजगार, मुफ्त तीर्थ यात्रा की गारंटी दे चुके हैं। मुफ्त बिजली अभियान से अब तक प्रदेश में 14.5 लाख से ज्यादा परिवार पंजीकरण करवा चुके हैं, जिन्हें प्रदेश में आपकी सरकार बनते ही सीधा फायदा मिलेगा। तो आज एक बार फिर से केजरीवाल उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। 5वां ये उत्तराखंड का केजरीवाल का दौरा है। लगातार आपको बता दें, पहली बार विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए पूरी तरह से आम आदमी पार्टी तैयार है और इसीलिए बार बार एक के बाद एक दौरा केजरीवाल उत्तराखंड का कर रहे हैं और इसी कड़ी में कई पहले से ही घोषणाएं वो कर चुके हैं जनता के लिए। इसके साथ ही आज महिलाओं को लेकर भी कुछ बड़ी घोषणा वो कर सकते हैं। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, आज केजरीवाल एक बार फिर से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, क्या कुछ उनके कार्यक्रम है और क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल पारुल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर उत्तराखंड दौरे पर और इस बार वो काशीपुर में इस दौरे को कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अरविंद केजरीवाल का जो मेन फोकस है वो मैदानी क्षेत्र में है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर के जो जिले हैं उन पर उनका मेन फोकस रहता है। और क्योंकि चुनाव नजदीक है और उन्हें पता भी है कि किन सीटों से वो विजयी हो सकते हैं, किन सीटों पर उनकी जो पकड़ है वो अच्छी बन सकती है, इसी वजह से वो मैदानी क्षेत्रों में अपने जो चुनावी भ्रमण है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज 11 बजे लगभग वो हवाई पट्टी पंतनगर पहुंचेंगे, यानी कि 11 बजे कुछ देर में वो हवाई पट्टी पे पहुंचने वाले हैं और उसके बाद एयरपोर्ट में जो उनके पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हुए नजर आएंगे। लगभग दोपहर 12 बजे अरविंद केजरीवाल एक निजी होटल में पहुंचेंगे और 1 बजे उसी होटल में सीधा संवाद करेंगे उन महिलाओं से जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़ी हैं और महिलाओं को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, किस तरीके से सशक्त किया जा सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर वो उनसे बातचीत करेंगे, संवाद कार्यक्रम करेंगे। लेकिन इनसे भी बड़ी चीज ये है कि एक और बड़ी घोषणा आज अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड की जनता के लिए कर सकते हैं और वो घोषणा क्या होगी ये तो दोपहर बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये साफ है कि एक और बड़ी घोषणा करने के लिए वो उत्तराखंड पहुंचे हैं। लगभग 3 बजे, अगर यदि आगे की कार्यक्रमों की बात करें तो लगभग 3 बजे वो पहुंचेंगे काशीपुर के रामलीला मैदान में, जहां वो बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी कि उनके द्वारा दिल्ली मॉडल में जो काम किए गए, जिस तरीके से वो दिल्ली को बदल रहे हैं, चाहे शिक्षा के स्तर पर हो, स्वास्थ्य के स्तर पर हो, सड़क के स्तर पर हो, वो तमाम चीजों को वो उत्तराखंड में आकर समझाएंगे और कहा जा सकता है कि 3 बजे की विशाल रैली में। जिस तरह से आप भी बार बार यही बात बोल रहे थे, पहले भी आपने इस बार की जानकारी दी कि सबसे ज्यादा केजरीवाल का ध्यान मैदानी इलाकों पर है, मैदानी क्षेत्रों पर है। लेकिन अगर देखिए समस्याओं की बात करें तो सबसे ज्यादा समस्याएं जो है वो पहाड़ी इलाकों में है उत्तराखंड में, चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, रोजगार की हो, ऐसी तमाम चीजें हैं जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग उसे सफर करते हैं। लेकिन इस तरह से अगर मैदानी क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देंगे तो क्या इस तरह से केजरीवाल सत्ता में आ पाएंगे? जी बिल्कुल पारुल, बहुत अच्छा आपका सवाल है। लेकिन क्योंकि सत्ता में आने के लिए उनको उन्हीं सीटों को चुनना होगा जहां वो वोट बैंक कमा सकते हैं और यही कारण है कि वो मैदानी क्षेत्रों में आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पहाड़ की स्थिति मैदान से बेहद अलग है उत्तराखंड में और यही वजह है कि वो ज्यादा फोकस मैदानी क्षेत्रों में कर रहे हैं, जहां दिल्ली की तरह जो लोग हैं वो रहते हैं, दिल्ली की तरह समस्या इन क्षेत्रों में भी है और वो दिल्ली के मॉडल को इन लोगों को दिखाना चाहते हैं। यदि उनकी बेहतर सीटें आती हैं तो वो एक बार सरकार बनाएंगे या मजबूत विपक्ष के तौर पर उत्तराखंड में नजर आएंगे। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि मैदानी क्षेत्र उनका मेन फोकस और इन्हीं क्षेत्रों पर ध्यान रखते हुए तमाम जो योजनाएं हैं, तमाम जो घोषणाएं हैं वो अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि आज वो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं तो एक बड़ी घोषणा फिर वो करेंगे। अभी देखना होगा कि वो घोषणा किसके काम आती है, किन लोगों को उससे फायदा होता है और कुल मिला के इन घोषणाओं का फायदा कुछ चुनाव में देखने को भी मिलेगा या फिर यूं कहा जा सकता है कि उत्तराखंड क्रांति दल की तरह यहां आम आदमी पार्टी फिसड्डी साबित होगी। जी
बिल्कुल सुभाष, और देखिए लगातार आप भी फील्ड पर रहते हैं, आम जनता से आप बातचीत करते हैं, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो जनता के मन में आम आदमी पार्टी को लेकर क्या विचार है, क्या जो अभी तक घोषणाएं केजरीवाल की तरफ से की गई है जनता उससे खुश है, और आज भी जिस तरह से केजरीवाल महिलाओं के लिए कुछ घोषणा करने वाले हैं, तो जनता इन सब बारे में क्या कुछ सोचती है? जी बिल्कुल पारुल, उत्तराखंड की जो जनता है वो दिल्ली की जनता से बेहद भिन्न है, बहुत अलग है, और उनकी जो सोचने की क्षमता है वो भी बहुत अलग है। जैसे कि मैं ग्राउंड जीरो पर पहुंचा, कहीं हमने कार्यक्रम किए, लेकिन हमने देखा कि जो पहाड़ के लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल की जो योजनाएं हैं, जो गारंटियां हैं या फिर फ्री की जो योजना है उनको पसंद नहीं करती है। उन्हें फ्री की बिजली नहीं चाहिए, उन्हें फ्री का रोजगार नहीं चाहिए, उन्हें जो भी चाहिए ऐसी चीजें चाहिए जिससे वो काम कर सके, सशक्त हो पाए और उसका फायदा पहाड़ में हो, ऐसी चीजें वो चाहते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मैदान में भी कहीं ऐसे लोग हमको देखने को मिले जो चाहते थे कि उनको फ्री की बिजली ना दी जाए बल्कि उनको रोजगार दिया जाए, उनको रोजगार के नाम पे भत्ता ना दिया जाए बल्कि उनकी नौकरियां लगाई जाए, उनके लिए सोर्स बनाए जाए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लोग चाहते हैं कि फ्री की जो योजना है वो बंद कर दी जाए और कुछ ऐसे काम बताए जाएं जिनसे आम जनता को कोई फायदा हो पाए। जी चलिए ठीक है सुभाष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज केजरीवाल का उत्तराखंड का पांचवा दौरा है जहां पर महिलाओं को लेकर कोई बड़ी घोषणा केजरीवाल कर सकते हैं।